हाय माय ब्यूटीफुल एरीज, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपकी देखेंगे 30 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की रीडिंग कि आपके पार्टनर क्या, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर इस टाइम क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो वो क्या चाहते हैं, नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा। देखें कि ओपन माइंड ही एक जनरल रीडिंग है, आप लोगों से रेजोनेट कर सकती है और आप लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर आप लोगों से रेजोनेट करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ मुझे बताइए एरीज जिनसे डील कर रहे हैं उनके पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे। प्लीज़ मुझे बताइए जो लोग एरीज जिनसे डील कर रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में सेपरेशन में हैं, मैरिड हैं, चाहे रिलेशन में हैं, किसी कमिटमेंट में हैं, तो हम देखते हैं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं प्लीज़ मुझे बताइए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं बारे में बताइए, जिनसे एरीज डील कर रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो वाला कार्ड आ रहा है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, सोचते भी बहुत कुछ हैं आपके बारे में। गाइड कीजिएगा थ्री ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ डेक, टेक टेक ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं। पहले मैं साइन बता देती हूँ, आपके पार्टनर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो यहाँ पे परमानेंट है, यहाँ पे टॉरस है, वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपका और उनके बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी हो, यानी कि उनकी फैमिली हो सकती है, अगर वो मैरिड है तो उनका फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप लोग जो लोग जानते हैं कि उनके पार्टनर मैरिड हैं उनकी फैमिली हो सकती है, और जो लोग सेपरेशन में हैं और जानते हैं कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आपके उनके बीच में पेनफुल एंडिंग हुई। अभी आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, आपके उनके बीच में सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग जा रही है आपके पार्टनर की, चीज़ें आपके फेवर में बदलेंगी, वो चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, जो सब कुछ है वो बदल जाए आपके उनके बीच में आपके, और वो पहले आपको घोस्ट उन्होंने आप बगैर बताए आपको घोस्ट भी किया, वो बगैर बताए आपको छोड़ के भी चले गए हैं। वो आपको इस तरह से देखते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल अच्छी फैमिली से देखते हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छा घर है, आपका लिविंग स्टाइल अच्छा है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। वो आपके बारे में ये सोचते हो सकते हैं, आपको बगैर बताए आपके पार्टनर ने घोस्ट कर दिया हो, या आप उनको छोड़ के चले गए हों, या उन्होंने आपको छोड़ दिया हो। वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके उनके बीच में सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपके पार्टनर का दिल आपसे बहुत दुखा है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देखें अभी भी, लेकिन वो थोड़े से जगल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं, बेतहाशा प्यार करने वाली, बेतहाशा लविंग, बेतहाशा केयरिंग, अपना और दूसरे का ख्याल करने वाली, आपको इस तरह से देखते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको बगैर बताए वो चले गए हों, ताकि उनकी फैमिली, जो लोग थर्ड पार्टी में, उनकी फैमिली उनसे नहीं राज़ी हो रही हो आपको लेके, काफ़ी उनके प्रॉब्लम्स आए हों, उनका दिल दुखा हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो उनका, लेकिन अब वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मूड से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो टेन अप तक कंप्लीट करना चाहते हैं आपके लिए। वो आपको इस ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर ये सोचते हैं आपके बारे में।
तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, एक हफ्ते में उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या रहने वाली हैं। प्लीज़ जो मेरे एरिस जिनसे डील कर रहे हैं उनके पार्ट फीलिंग्स मुझे बताइएगा। मेरे एरिस जिनसे डील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में, आज से अक्टूबर के पहले हफ्ते में। प्लीज़ मुझे 5 कार्ड दीजिए एक एक करके और बताइए कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, सोचने या कम में देखने क्या फीलिंग्स हैं उनकी, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। एक कार्ड और स्प्लिट दीजिएगा, क्लियर मैसेज के साथ दीजिएगा कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एरीज जिनसे डील कर रहे हैं, एरीज के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए फिर आया मैसेज का बॉटम ऑफ द डेक, 10 of Swords, हर्मेट, रहनोकास। मैंने आपसे क्या कहा था कि वो आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। 4 of Cups, ये डेविल, और क्या चाहिए, इससे अच्छा और कौन सा स्प्रेड हो सकता है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं, आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, कोई एयर साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर कैंसर यहाँ पे परमानेंट है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न परमानेंट है, यहाँ पे फायर साइन है, यहाँ पे एक्वेरियस है। आपके पार्टनर अभी तो फिलहाल आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देखिए फिर 9 of Pentacles के नीचे, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में जो पास में पेनफुल एंडिंग हुई है वो इससे बाहर आना चाहते हैं, वो इससे बाहर आना चाहते हैं, वो अभी अपनी गलतियों पे फोकस कर रहे हैं। उनको कोई ऑफर भी प्यार की दे रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी से बात करना नहीं चाह रहे, वो अपनी अभी सबसे वो अलग हो गए, उन सबसे डिटेच हो गए, किसी से बात करना नहीं चाह रहे, वो अपनी गलतियों पर फोकस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आपसे उनकी और आपकी दूरी हो गई है, वो इस बारे में सोच रहे हैं। वो आपके पास दौड़ते हुए आना चाहते हैं, हो सकता है ये शख्स आपके पास में इन और आउट भी आपकी लाइफ से रहा हो। ये जहाँ आती शख्स तब आता था जब आप इसको आपकी नीड होती थी, ये आपसे बात करना चाहता था, और जहाँ आपने इन्हें किसी बात के लिए मना किया और ये वहीं वैनिश हो जाया करते थे आपकी लाइफ से। ये आप क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं रिश्ते में, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपको लेके बेतहाशा ऑब्सेस हैं, ये उनकी इतने ऑब्सेस हैं, अगर ये आपको छोड़ना भी चाहे ना तो ये छोड़ नहीं पाते हैं। ये इस रिश्ते में दुआ करते हैं आप कि आपका और इनका सब कुछ सही हो जाए, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये हर हाल में ये इन्होंने रब पे छोड़ दिया है अपने सारी मसले कि क्या होगा आपके उनके बीच में, ये अपने रब पे भरोसा करके बैठ गए हैं, ये डिवाइन पे भरोसा करके बैठ गए हैं कि अब वही हैं जो आपको इनसे मिलवा सकते हैं, आपसे इनकी बातचीत करा सकते हैं, ये अब वही हैं जो सब कुछ आपका एक मसले हल कर सकते हैं। इनके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं पास्ट में, लेकिन आपको ये इस तरह से स्टार्स में देखते हैं, ये सबको ठुकरा के सबको अलहदा करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके और उनके रिलेशन में जो एक रुकावट आ गई है, स्टॉप जो हो गया है, ये इसको दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। ये अब इस रिश्ते को दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो भी मसले मसाइल हैं वो सबको पता लगे कि आप इनकी लाइफ में कहाँ मकाम, कौन सा मकाम रखती हैं या रखते हैं, और वो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपके पास आ जाएं, सारे बंधन तोड़ के आपके पास आ जाएं, सब चीज़ें भूल के आपके पास आ जाएं, वो इस कदर आपसे ऑब्सेस हैं। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है, कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है जिससे ये बंधे हुए हैं, छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं किस तरह रखना चाहिए, वो क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और उनके बीच में सारे मसले मसाइल हल हो जाएं, आपकी और उनकी शादी हो जाए, और वो इतने उदास हैं, यहाँ पर देखें ये देखें हरमिट कुंड, इतनी पेनफुल एंडिंग होने के बाद भी वो हरमिट कुंड पे किसी के ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये थी एरीज की रीडिंग अक्टूबर की, 6 अक्टूबर तक की।
अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसी और रीडिंग्स लेके आऊँगी। और जिस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय।